वेलकम टू चनाब कॉलेज। चनाब कॉलेज के बारे में मैं यही बात करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक अलग दुनिया है। सबसे पहले यहाँ से निकल के मेरा जो एम है ना, वो है जिंदगी को एंजॉय करना। मुझे नालो छायो, मुझे नालो नूर नबिया, सेम टू मेहदी शाह साहब, चनाब कॉलेज, पाक फौज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख तारिक और आप देख रहे हैं शेख तारिक व्लॉग। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं चनाब कॉलेज और चनाब कॉलेज के मैं बाहर खड़ा हूं। तो हम अभी चनाब कॉलेज के अंदर जाएंगे और अंदर का विज़िट करेंगे और बहुत सी मालूमात लेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, आइए हम आपको विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त चनाब कॉलेज में इंटर हो चुका हूं और ये मैं चनाब कॉलेज की तरफ जा रहा हूं। वेलकम टू चनाब कॉलेज। तो ये है वो जगह जहाँ पर चनाब कॉलेज की असम्बली होती है, वो स्टेज बना हुआ है, ये जनाब जी चिड़ियाघर है और हमारे जो दाएं हाथ पे है वो जहाज़ है। क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन, आप यहाँ पे गार्ड है? जी है जी गार्ड। कब से हैं? 2 साल से। तक कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा फील होता है, अच्छी जॉब है यहाँ पे, बाकी इदारों से अच्छा है ये इदारा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये ऐसा ही रहे। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चनाब कॉलेज के जो ड्राइवर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मातनवीर अब्बास। मातनवीर अब्बास, तो आप यहाँ पे कितने साल? मुझे ये 6ठा साल हुआ है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम? ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे इधर बच्चा एक फ्री है और हमें इधर बहुत बेनिफिट मिलते हैं, हमारे इलाज वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हमारे एडमिन साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे जो इदारे के जितने मुलाजिम हैं एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा पेश आते हैं। अगर किसी के घर परेशानी बनती है तो हमारा अमला एक दूसरे का साथ देते हैं और हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं आती। तनवीर साहब, ये बताइएगा कि जो आपके पहले प्रिंसिपल थे लोधी साहब, वो आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव थे या जो अब मेहदी शाह साहब हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव? ये दोनों अच्छे हैं। जो मेहदी शाह साहब हैं वो पहले भी थे यहाँ, वो पहले भी बहुत अच्छे थे, पहले भी हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और अब भी बहुत अच्छा करते हैं, और लोधी साहब भी बहुत अच्छे थे। जी नाज़रीन, तो आपने सुना ये एक ड्राइवर की ज़ुबान से कि यहाँ का जो स्टाफ है वो किस तरह से बिहेव करता है और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके साथ कितने कोऑपरेटिव हैं। तो बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। तो नाज़रीन, चनाब कॉलेज के टोटल 7 विंग्स हैं, हर विंग्स में राउंड अबाउट 50 रूम्स हैं और एक विंग्स में तकरीबन 2000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो उस हिसाब से इस चनाब कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो 15,000 है और इस चनाब कॉलेज के अंदर जो साइंस लैब्स बनी हुई हैं वो 2 हैं और लाइब्रेरियां वो भी 2 हैं और इस चनाब कॉलेज की जो वैन्स हैं वो तकरीबन 32 हैं और 32 वैन्स ही प्राइवेट्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स और स्टाफ ट्रैवलिंग करते हैं और जो यहाँ का स्टाफ है उनकी तादाद राउंड अबाउट 5,000 है। तो जी नाज़रीन, आपको ले चलते हैं जो इनके डिपार्टमेंट बने हुए हैं वहाँ आपको ले चलते हैं, तो आइए हमारे साथ। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये एडमिन ऑफिस की है और इसकी हम दूसरी साइड पे खड़े हैं, अभी हम आपको ले कर चलेंगे एडमिन ऑफिस डोर है उस तरफ। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडमिन विंग्स के बाहर जहाँ से एंट्री होती है, तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ चनाब कॉलेज के T2 विंग्स में। तो नाज़रीन, ये इस विंग्स को बहुत ही खूबसूरती से इनके वॉल्स को सजाया गया है। ये हमारे जो पाकिस्तान की शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ये हैं जी मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ये है मोहतरमा फातिमा जिन्ना, सिस्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। और ये हैं हमारे साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। T2 विंग्स के ऊपर जा रहे हैं, जिस तरह यह विंग्स है इसी तरह सारे विंग्स इसी तरह खूबसूरती से बनाए गए हैं।
नाज़रीन आपने हमें अपने कमेंट्स में बताना है कि कैसा लगा आपको चिनाब कॉलेज का विज़िट और कैसी लगी चिनाब कॉलेज की बिल्डिंग। तो नाज़रीन ये बॉयज़ हॉस्टल है चिनाब कॉलेज के इस साइड से, और इस बॉयज़ हॉस्टल के पीछे मेस बना हुआ है जहाँ से वो खाना खाते हैं। क्या आपका नाम? रसूल। तो रसूल कहाँ से? सूफी मोड़ से। अच्छा, तो आप यहाँ चिनाब कॉलेज में क्या रोटी बनाते हैं? कब से हैं आप इस चिनाब? ये तकरीबन 7 महीने हो गए। 7 महीने हुए, तो फिर यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है यहाँ चिनाब कॉलेज? सही लगता है। सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चाचा जी। तो नाज़रीन अब हम यहाँ का हॉस्टल है उसका जो इंचार्ज है उनकी तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं चिनाब कॉलेज के बारे में। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मकबूल। कहाँ से बिलोंग? जंग से। तो आप यहाँ पे हॉस्टल के इंचार्ज? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किसके? मेस के या हॉस्टल? पूरे हॉस्टल। मेस भी आप? कब से आप? मुझे तकरीबन 28 ईयर्स जी। 28 ईयर्स। तो फिर आपको मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा इस कॉलेज को दिया है, तो इस कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ठीक है, कॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ज़्यादा कुछ इस बात की कि इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो आपके लिए जो सबसे बड़ी एजाज की बात है कि आपके बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 28 ईयर तो आपको हो गए हैं, तो आपके यहाँ पर कोई एक लिमिट भी है कि इतने साल के बाद आपने जाए? 60 ईयर्स। तो अभी आपकी कितनी? अभी तो तकरीबन 49। 49 मतलब कि 11 साल की सर्विस अभी आप और इधर। बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह खैर खैर आपको लंबी ज़िंदगी दे सेहत वाली। तो आप फिर इधर ही रहते हैं? अच्छा, तो फिर आप घर कितने दिनों के बाद? संडे की रात को। हर संडे आप घर जाते हैं? ये है जी हॉस्टल H1। ये सामने कुछ हॉस्टल बॉयज आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या नाम? मोहम्मद जहांगीर अकरम। कहाँ से? मैं शोरकोट से। किस क्लास में पढ़ते? मैं सेकंड ईयर में। हॉस्टल में रहते हैं? जी हॉस्टल में। आपका नाम? मेरा नाम जिब्रान हुसैन है। जिब्रान हुसैन कहाँ से? मैं शोरकोट से हूँ। आपस में नहीं, कुछ भी नहीं लगता। एक सिटी है? जी बिल्कुल, एक सिटी से। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। कहाँ से? जो बलोचिस्तान। जो बलोचिस्तान। अच्छा यार, हमने सुना है कि यहाँ चिनाब कॉलेज में बच्चों को मोबाइल रखने की परमिशन नहीं है, क्या ये सच? जी बिल्कुल, ये सच बात है। हमें ये किस तरह आप मोबाइल के बगैर किस तरह रह? तो हमें ना सिर्फ वो संडे से संडे देते हैं मोबाइल, संडे को मिलता है, वो टाइमिंग है सिर्फ, मोबाइल हमें संडे को मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। तो बाकी हम मोबाइल के बगैर पूरा एक हफ्ता आपका गुजारा हो जाता है मोबाइल के? ना भी होता हो तो फिर करना पड़ता है गुजारा, क्योंकि मजबूरी है। टी वी है यहाँ पे, जो काम मोबाइल करता है वो टीवी तो नहीं ना कर सकता। ये तो है, पर घर वालों ने भी हमें इसलिए भेजा है क्योंकि ये हमारा काम टाइम है पढ़ने का, तो इसे हम मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे तो हम पढ़ेंगे तो आगे जाके मोबाइल ही यूज़ करना है पूरी ज़िंदगी, तो इसलिए हम पढ़ जाएंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा फ्यूचर। तो इसलिए आपको कैसा लगा यहाँ चिनाब कॉलेज? हाँ बहुत अच्छा लगा है और बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है इधर का, स्टडी का बहुत अच्छा माहौल है और इनका खाना हर चीज़ बहुत अच्छा है। कभी आपको शोरकोट की याद आई? ये जब शुरू में आए थे तो उस टाइम थोड़ी सी याद आती थी घर वालों की, शोरकोट की, अपने दोस्तों की, तो वहाँ का रहना सहना, पर ऐसा ऐसा हम इधर हो गए तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अपनी फील नहीं होती शोरकोट, वहाँ के दोस्तों? नहीं अब नहीं होती ज़्यादा, ये बहुत अच्छा। फिर यहाँ से महीने बाद जाते हैं, हफ्ते बाद? जब भी दिल करता है चले जाते हैं, वैसे एक मंथ के बाद छुट्टी होती है, वीकेंड होता है तो इसलिए फिर वीकेंड पर जाते हैं। एक महीने के बाद आपको कितनी छुट्टी है? हमें 4 दिन की छुट्टी होती है। यहाँ से निकलने के बाद आपका क्या वैसे एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ से निकल के मेरा जो एम है ना वो है ज़िंदगी को एंजॉय करना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल हॉस्टल में गुजार दिए हैं और अब बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा हॉस्टल में रहने का। कम से कम 1-2 साल मैं घर में रहना चाहता हूँ और फुल एंजॉय करना चाहता हूँ ज़िंदगी, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा आगे कहीं पर यूनिवर्सिटी। यार यूनिवर्सिटी में भी होता है लेकिन वो उस किस्म का एंजॉय नहीं ना होता, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक बेड हो, एक तकिया हो और साथ एक चार्जिंग पॉइंट। ये सारी फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी में?
यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, लेकिन साथ पढ़ाई की थोड़ी थोड़ी टेंशन होती है। एक चार्जर, एक मोबाइल, एक बेड और एक तकिया। आपको पता है यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना पड़ता? नहीं पढ़ना पड़ता। चलें फिर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे ये जी। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इंसान बनना चाहूँगा। क्या बात है, मतलब पहले आप नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल हरकतें वो वाली नहीं है, इंसान वाली नहीं है। तो इसके अलावा इंसान जब बन जाएंगे उसके बाद क्या बनना चाहिए? उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर। खान भाई आप क्या बनना चाहेंगे? डीसी। डीसी बनना चाहेंगे? इस इलाके में आप लगेंगे, फिर आप बीड़े पर पाबंदी लगाएंगे? नहीं सर, मैं इंशाल्लाह फुल खुला माहौल दूंगा सबको, सब अपना इंजॉय करें। यार ये तो इमरान खान भी कहते हैं, वो सिर्फ बस वो दूसरों की जो ना उंगलियों पे चलते हैं, हम इंशाल्लाह अपना हुक्म चलाएंगे। क्या बात है, हमारी दुआ कर ला आपको डीसी बनाए। तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ। वजीर आजम पाकिस्तान? जो समझ लें आप। देख लें इस वक्त इमरान खान भी बैठे हैं, वो ये सुन रहे होंगे। नहीं नहीं वो ना सुने, आपकी बात वहाँ तक पहुँच सुने हॉस्टल वाले सिर्फ। हॉस्टल वाले नहीं, वाकई आप क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहिए? कौन सा डॉक्टर? एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस किस में स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट नहीं, वैसे वैसे डिस्पेंसर डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं नहीं डिस्पेंसर। और कौन? अच्छा चाइल्ड। बड़ों के कोई तो बने जाएंगे। अच्छा अच्छा सही है। क्या हाल है भाई, क्या नाम है? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान कहाँ से? पिंडी भटियाँ। अच्छा आप भी पिंडी भटियाँ से। तो ये हैं H1 के जो हेड बॉय हैं, चनाब कॉलेज के H1 बॉयज़ हॉस्टल के। तो भाई आप क्या बनना चाहेंगे? मैं अच्छा पूरे कॉलेज के हेड बॉय। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ इस हॉस्टल के? नहीं पूरे कॉलेज। क्या बात है यार, एक बार इस भाई के लिए यार क्लैपिंग हो जाए यार। तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं पायलट बनना चाहूँगा। पायलट? एक तो वो शाम के बाद जो पायलट बनते? नहीं मैं दिन टाइम जोड़ते हैं वो वाले पायलट। दूसरे पायलट? ठीक हो गया, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कहाँ से? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से? बलूचिस्तान के हालात कैसे? माशाल्लाह बहुत अच्छे। नहीं आपके आने के बाद अच्छे हैं या पहले भी अच्छे? पहले भी अच्छे थे, हमारे आने के बाद और अच्छे हो गए। तो क्या बनना चाहेंगे आप बड़े? जो अल्लाह को मंजूर हो। अल्लाह तो चाहता है आप अच्छे इंसान बने, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आपका क्या एम क्या? मैं इंशाल्लाह अबू बनूंगा। नहीं इधर रह के या इधर निकलने से बाद? आपने बोला था इधर से जाने के बाद। इधर से जा। क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल हसन है। बिलाल हसन तो क्या करते हैं? मैं यहाँ पे लेक्चरर भी हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ पे असिस्टेंट हाउस मास्टर के अहदे पर फाइज हूँ। चला तो क्या यहाँ पे क्या टीच करा? मैं यहाँ पे फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है और बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आप वैसे कहाँ से बिलोंग? मैं चिन्नीवट से बिलोंग करता हूँ। जी आप बड़े नाइस पर्सन। यही है कि जो लोग खुद अच्छे होते हैं उन्हें सारी दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन आप दिखने में भी लग रहे हो और वैसे भी। थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे चनाब कॉलेज के बारे में? चनाब कॉलेज के बारे में बस यही बात करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक अलग दुनिया है जिसके अंदर हर बच्चा अपने ख्वाहिशात अपने जज्बात को खुल के इजहार कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर आने वाले दौर के अंदर आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं जो कि कहीं और अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल की एक ऐसी लाइफ प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर आप लोगों को एक वेल डिसिप्लिन्ड और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, फ्यूचर के अंदर आप लोगों ने क्या अचीव करना है, क्या कुछ आप लोगों ने हासिल करना है और वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये तमाम के तमाम बातें बहुत सारे इदारे आप लोगों को बताते होंगे, लेकिन चिनाब कॉलेज के अंदर जो बातें आप लोगों को मिलती हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का ग्रास, यहाँ के फील्ड, यहाँ के ग्राउंड्स, वो वाली बातें आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेंगी। क्या बात है यार, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। बिलाल साहब ये बताएं कि एक बिगड़ा हुआ लड़का अगर चिनाब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके सुधरने के हैं चांस? जी चिनाब कॉलेज एक जेल नहीं है, यहाँ पे हम उन्हें एक अच्छे इंसान बनाने की पूरी तरबियत देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे बलोचिस्तान के, क्वेटा के, कराची के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट और पंजाब के एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और तो जितने भी बिगड़े हुए लड़के हम कह सकते हैं, तो वैसे कुदरती तौर पर तो कोई भी इंसान बिगड़ा हुआ नहीं होता, कुछ हालात उसे बना देते हैं और कुछ उसके घर वालों के साथ या फिर उनके मामलों की कुछ तरबियत इस तरह की होती है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं कि घर वालों के साथ और यहाँ पे जो लोग आपके साथ रहते हैं वो आम इंसान हैं, वो बिल्कुल आपके भाइयों की तरह हैं। तो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने अपने घर वालों के साथ बिहेव करना है, आप लोगों ने यहाँ पर एक टीम बनकर अपने भाइयों के साथ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहना है।
अच्छा बिलाल साहब, एक बात बताएं कि वो बच्चे जो चिनाब कॉलेज में एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाब रखते हैं, लेकिन जो उनके जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उस वजह से वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, अपनी तालीम यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप कोई दो चार टिप्स देना चाहें? जी, जो लोग या फिर जिनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते या फिर उनकी आमदनी इतनी नहीं है, कॉलेज वाले उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि उनके लिए फ़ी कंसेशन की सहूलत मौजूद है, वो आएँ हमारे पास, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखें, वो हमारे प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करें और अपने तमाम के तमाम ख्वाहिश उनके सामने रखिए कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, कि हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम भी इन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकें, ताकि हम अपनी लाइफ को अंदर जो हमारा एम है हम उसे सिक्योर कर सकें। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप हमारे पास आएँ, उसके लिए आपको हमारे जो जितनी भी तआवुन की ज़रूरत है हम उसके लिए हाजिर हैं। जी नाज़रीन, तो ये बिलाल साहब कह रहे हैं कि वो लड़के जो कि फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकते चिनाब कॉलेज के लिए, वो एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर, वो एप्लीकेशन लिखे, उनके साथ जितना कुछ हो सका ये स्टाफ और ये बाकी इदारा उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करेगा और उनको ये शर्फ हासिल होगा कि वो यहाँ पे चिनाब कॉलेज में अपनी तालीम जो है वो हासिल कर सके। थैंक यू बिलाल साहब। तो नाज़रीन, ये हमारे चिनाब कॉलेज के लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, सारे तो नहीं हैं लेकिन चंद एक ही हैं, लेकिन इनका शुक्रिया, इन्होंने हमारे साथ भरपूर तआवुन किया और अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं और इन्होंने अपने जो एम है वो बताए हमें। तो चिनाब कॉलेज जिंदाबाद, तो एक बार चिनाब कॉलेज के लिए नारा लगा दें। चिनाब कॉलेज जिंदाबाद। मैं दिशा साहब जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज। पाक फौज जिंदाबाद। भाई पाक फौज नहीं, पाक फौज बलूचिस्तान भी जिंदाबाद। जी नाज़रीन, अब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं चिनाब कॉलेज हॉस्टल बॉयज H2, जहां पर छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों से पूछेंगे कि वो चिनाब कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली आते हैं, कुछ के हाथ में बुक्स हैं और कुछ तो बिल्कुल घर जाने की तैयारी में हैं। ये बच्चे क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? मोहम्मद ताकाकर। आप कहाँ से बिलोंग? मैं बलूचिस्तान से। किस क्लास में आप? मैं 9th में हूँ। चिनाब कॉलेज में कब से? चिनाब कॉलेज से मेरा 1 साल हो गया था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बलूचिस्तान की याद आती? जी काफ़ी आती है। वहाँ के हालात अच्छे है? ज़बरदस्त, पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले से काफ़ी बेहतर होने थे, आप इधर आ गए हो। जी जी। तो आपका नाम? बिलाल अज़र। माशाल्लाह, आप हफ्जपुर हैं? जी जी। कहाँ से? टिब्बा सुल्तानपुर से। कहाँ से? टिब्बा सुल्तानपुर। अच्छा, तो किस क्लास में? 10th। कब से? 2 साल हो गए। कैसा लग रहा है? ठीक अलहमदिल्ला, अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा रहा है? शुरू शुरू में तो दिक्कत होती होगी जब यहाँ पे आए हो? जी जी, बहुत दिक्कत। इसलिए याद आती हो वहाँ के माहौल की और वहाँ के दोस्तों? जी बिल्कुल, ऐसे ही। अब ऐसा फील नहीं होता? होता है लेकिन अब थोड़ा हो गया। यहाँ आप जो जितने बॉयज़ हैं, जितने लड़के रहते हैं, तो आप एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। जी बिल्कुल। वजह से आपको फील? जी जी ऐसे ही। आपका नाम क्या है? मीर उमीद। आप कहाँ से बिलोंग? बलूचिस्तान क्विटर से। कब से हैं इधर? 3 साल हो रहे हैं। किस क्लास में? 9th में। 9th में। तो यहाँ पे FSC करके जाने का इरादा है या मैट्रिक करके वापस? बस उसकी क्या है? फिर बाद में आगे लाहौर पढ़ना। चिनाब कॉलेज के बारे में आप क्या कहना? बहुत अच्छा कॉलेज है। खुल के बोलो। नहीं नहीं, कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आया यहाँ। जी। कोई एक ऐसी बात जो चिनाब कॉलेज की आपको अच्छी नहीं लगी? ये सारी चीज़ें अच्छी। नहीं, कोई एक बात। गर्मी है अभी। वो तो वैसे भी गर्मी है। बस बाकी सब चीज़ें अच्छी है। जी। आपका क्या नाम? नूर नबी। नूर नबी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम। तो आप भी? आप सब? नहीं। कहाँ से आप? सिंध, हैदराबाद। सिंधी जबान में हमें सुनाया क्या? हमें बिल्कुल समझ ही ना आती, लेकिन गालियाँ नहीं निकाल। ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप समझ जाएंगे, पंजाबी और सिंधी एक जैसी होती है। नहीं यार, सिंधी या मैं भी थोड़ा बहुत है। तुझे नालो छाए? मुझे नालो नूर नबिया। सेम टू। आपका भी नूर नबिया? नहीं, मेरा नाम यार शेख तारिक है। कब से इधर आया? 1 साल हो गया। 9th क्लास? जी हाँ। यार यहाँ पे बच्चों की कंप्लेन है कि आप उनके हिस्से का खा रहे हैं। ये बात सच है या झूठ है? वो आप देख रहे हैं खुद, वो आप खुद देख रहे हैं। नहीं, वो पीछे से बच्चे जो दुबले पतले खड़े हैं वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि यार मैस में जो खाना मिलता है मैं हमारे हिस्से का ये भी खा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, वो भी जुगाड़ कर लेंगे। इसकी क्या वजह है? वाकई सही बात है या झूठ बोल रहे हैं? कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। यार जो आप अपने हिस्से का है ना वही खाया कर। आपका क्या नाम है बच्चे? मोहम्मद उमर जतोई। मोहम्मद उमर जतोई, कहाँ से? पैठा से। तो किस क्लास में? 8th क्लास में। कब से?
जी तीसरा साल है। कैसा लग रहा है जनाब कॉलेज में? बहुत अच्छा है, रिहाइश में सब कुछ अच्छा है, खाना सब फिट है। पाकिस्तान मेहदी शाह साहब चिनाब कॉलेज पाक फौज। जी नाजरीन, ये थे हमारे H2 चिनाब कॉलेज बॉयज हॉस्टल, जहाँ पे मिडल और मैट्रिक के बच्चे थे, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उन्हें चिनाब कॉलेज के बारे में बताया। तो अब हम चलते हैं चिनाब कॉलेज के बाकी हिस्से में और आपको विजिट कराते हैं वहाँ का, कि वहाँ का क्या माहौल है। चले आइए हमारे साथ। जी नाजरीन, ये है इस साइड पे चिनाब कॉलेज का कैफेटेरिया, आए आपको उधर का विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने रखी? हमारे पास फास्ट फूड में बर्गर, शवारमा, सैंडविच, टिक्का, रोल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हैं आपने? कोल्ड ड्रिंक्स सर अलाउ नहीं है, क्योंकि महकमा फूड द्वारा बंद किए हुई है स्कूलों कॉलेजों में। उसकी जगह आपने जूसेस वगैरह रखे? एनर्जी ड्रिंक जो है ना, गैस वाली चीज़ एनर्जी ड्रिंक में, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स है और उसके अलावा बिग एप्पल है, इस तरह की चीज़ें बंद। थैंक यू सो मच। ये है चिनाब कॉलेज का मुदस्सर रियाज रिसेशनल सेंटर, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, जो अहम मीटिंग्स होती हैं स्टाफ की, वो भी इसी के अंदर होती हैं। जी नाजरीन, ये है चिनाब कॉलेज का वाटर प्लांट नंबर 1, जहाँ पर बड़ी हैवी मशीनरी लगाई गई है, तकरीबन 2 से 2.5 लाख की लागत आई है उस पर। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिनाब कॉलेज के उस ग्राउंड में, जहाँ पर चिनाब कॉलेज के स्टूडेंट अपने फ्री टाइम में जहाँ पर मैच की प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे ये दूसरी तरफ है बच्चों का प्लेग्राउंड, जहाँ पे वो बच्चों के झूले वगैरह लगाए हुए हैं। और ये ग्राउंड T7 विंग्स की बैक साइड पे है, और ये आपको नज़र आ रही होगी T7 विंग्स की बैक साइड की बिल्डिंग। और ये सामने जो नज़र आ रही है विंग्स, वो T6 है। हमारे साथ चिनाब कॉलेज के एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने पहले कहाँ कहाँ मैच खेला है और कौन कौन से मैच इन्होंने विन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, राइट आर्म बैट्समैन भी हूँ। मैं 2019 में सेंट्रल पंजाब U16 के लिए सेलेक्ट हुआ था, अभी 2021 में U19 में सेलेक्ट हुआ हूँ सेंट्रल पंजाब के लिए। तो मेरी यही ख्वाहिश है मैं क्रिकेट खेलूँ, आगे भी क्रिकेट खेलूँ और सारा ज़िंदगी क्रिकेट खेलता रहूँ। मुझे PSL खेलने का भी बहुत बड़ा शौक है और इंशाल्लाह मैं बड़ा होकर क्रिकेटर ही बनूँगा। तो बासित साहब, आपके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो कौन है, आप किसके फ़ैन? असल में मैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल को बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान में किसके? पाकिस्तान में तो मैं सईद अनवर, मेरा आइडियल। बहुत शुक्रिया बासित साहब। थैंक यू। जी नाजरीन, मैं इस वक्त T7 और T6 विंग्स के दरमियान में खड़ा हूँ। T6 के बिल्कुल सामने ये बच्चे मैच खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं। और ये मेरी बैक साइड पे ये है वाटर प्लांट, जो तीसरा वाटर प्लांट है वो लगा हुआ है। इन तीनों प्लांटों से ही ये पूरे चिनाब कॉलेज को पानी की सप्लाई दी जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिनाब कॉलेज के जो बॉयज़ हॉस्टल के मेस के जो वेटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? सलमान बिलावल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जंग से। जंग किस जगह से? आदिवाल चौक। तो भाई आपका क्या नाम है? अमान अल्लाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? डब्बन चौक। तो कितना अर्सा हो गया आप दोनों चिनाब? मुझे 12 साल हो गए। कैसा लगा आपको चिनाब कॉलेज में आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ के अपना चिनाब कॉलेज स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, यानी कि हर चीज़ की सहूलियात है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। फिर आपकी जॉब यहाँ पे परमानेंट? परमानेंट। डेली आते जाते हैं या इधर ही रहते? नहीं, डेली आता जाता हूँ। तो आप भी डेली आते जाते? इधर रहता हूँ। तो फिर वीकेंड पे जाते हैं? कितने दिनों के बाद घर? 7 दिनों के बाद। तो फिर चिनाब कॉलेज के बारे में आप क्या कहें? चिनाब कॉलेज अच्छा इदारा है, इसके अंदर जो स्टाफ है वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छे आदमी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब हम आपको चिनाब कॉलेज के स्विमिंग पूल में ले चलते हैं, चले आइए हमारे साथ।
जी नाजरीन, ये है चनाब कॉलेज का एक्वेटिक सेंटर। इसके अंदर वो स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो आइए हम आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। तो हम चनाब कॉलेज के स्विमिंग पूल के पास मौजूद हैं, तो हम आपको यहाँ का विजिट कराएंगे और इसके बारे में आपको जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। ये है चनाब कॉलेज का स्विमिंग पूल। तो ये है एक्वेटिक सेंटर रूल्स स्विमिंग पूल के लिए। ये है वो जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं। ये है वो जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने किट टोज़र और कुछ ज़रूरत का सामान यहाँ पर रख के लाभ करते हैं। आइए अब आपको इसके बेसमेंट पे ले चलते हैं, जहाँ पर ये सारा निज़ाम है स्विमिंग पूल का, पानी कैसे आता है और किस तरह नीचे वापस जाता है। ये हम स्विमिंग पूल के बेसमेंट में उतर रहे हैं। नाज़रीन, ये हैं वो पाइप जिनके ज़रिए पानी ऊपर स्विमिंग पूल में जाता है और इन्हीं के ज़रिए पानी वापस भी आता है। बड़ा पुख्तगी से इन्होंने बनाया हुआ है और इस पर करोड़ों रुपए की लागत आई है इस स्विमिंग पूल पे। यहाँ पर जगह जगह इन्होंने सप्लाइज़र भी रखे हुए हैं जो कि पानी को सर्द गर्म होने के लिए कंट्रोल करते हैं। तो ये हैं वो टैंक और मोटर्स और ये सप्लाई के पाइप्स हैं जो ऊपर की तरफ ले जाते हैं इन बड़े पाइपों में और बड़े पाइपों से ऊपर की तरफ जाता है पानी। ये स्विमिंग पूल के नीचे ही बना हुआ है और इसकी चारों साइडों से बना हुआ है, यानी कि मतलब एक साइड से होके हम इधर से दूसरी साइड से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। नाजरीन, जो मेन स्विमिंग पूल का जिन्होंने टैंक रखे हैं और बड़ी बड़ी मोटरें लगाई हुई हैं वो इस जगह पे हैं। यहाँ आपको पानी के बड़े बड़े पाइप भी नज़र आ रहे होंगे जो नीचे से ऊपर, और इन्होंने नीचे भी उसका पाइपों का जाल बिछाया हुआ है। जी नाजरीन, अब हम स्विमिंग पूल के बेसमेंट से बाहर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो मैं बेहद मशहूर हूँ यहाँ के जो चनाब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मेहदी शाह साहब, और यहाँ के जो एडमिन हैं इमरान साहब, और यहाँ के जो टीचर्स हैं लियाकत साहब और अहमद सखी साहब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी मालूमती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया।